नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। भारतीय टीम में इस समय कह सकते हैं कि ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, जहां पुराने खिलाड़ियों की जगह अब युवा खिलाड़ियों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और यह सही भी है, क्योंकि अगर आपको टीम का फ्यूचर बेहतरीन करना है तो युवा खिलाड़ियों को जितने मौके मिलेंगे वो उतना ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपको एक अच्छी टीम बनाने में मदद भी करेंगे। कुछ युवा खिलाड़ियों को हमने हाल ही में खत्म हुई श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में देखा, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। इनमें युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक का नाम सबसे ऊपर है। उमरान मलिक को लेकर पूर्व क्रिकेटर जडेजा ने एक बड़ी बात कर दी है। अजय जडेजा का कहना है कि उमरान मलिक ने उन्हें भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ की याद दिलाते हैं। आपको बता दें कि उमरान मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों में अपनी तेज गति की गेंदों से बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया था और विकेट भी निकाले थे। उमरान ने 3 मैचों में 7 विकेट हासिल किए थे, लेकिन इस सीरीज में उमरान की चर्चा उनकी स्पीड की वजह से सबसे ज़्यादा हुई है। तीसरे मैच के बाद अजय जडेजा ने उमरान की तारीफ करते हुए कहा, इस खिलाड़ी के पास कुछ खास है, इसी वजह से उनका प्रयोग वैसे ही कीजिए जैसे वो हैं। जब पुछल्ले बल्लेबाज आए तो आप उमरान मलिक को गेंदबाजी पर लगाइए, 10 में से 8 बार वो आपको वहां पर 3 विकेट निकाल कर देंगे। जिस तरह से वो दौड़कर गेंद डालते हैं, वैसा गेंदबाज मैंने सालों से भारत में नहीं देखा। जवागल श्रीनाथ एक ऐसे ही गेंदबाज थे। आपको बता दें कि पहले T20 मैच में उमरान ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेंक कर श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनका को कैच आउट कराया था, और साथ ही यह गेंद किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में डाली गई सबसे तेज गति की गेंद है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम था, जिन्होंने 153.36 की गति से गेंद फेंकी थी। वहीं IPL में भी उमरान मलिक ने 157 किलोमीटर की स्पीड से गेंद डाली है। उनकी नज़र अब शोएब अख्तर के रिकॉर्ड पर होगी। वहीं IPL में भी उमरान मलिक ने 157 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद डाल चुके हैं और उनकी नज़र अब शोएब अख्तर के रिकॉर्ड पर है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।